यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, तो मन पर अधिक बोझ मत डालो। प्रश्न हो सकता है, बोझ कहाँ है मन पर? मन तो एक अमूर्त है जो दिखाई नहीं देता, उस पर बोझ कहाँ है? समझने का प्रयत्न करें कि मन पर हमने स्मृति का बोझ डाल रखा है। आदमी वर्तमान में कम जीता है और अतीत में ज्यादा जीता है, यह मन पर बोझ है सारा। मन सही काम तब करेगा कि वह वर्तमान में रहे तो आपका साथ देगा और बीमारियों को मिटाएगा, सहयोग करेगा और अच्छा काम होगा। पर आदमी वर्तमान में नहीं रहता, अतीत में ज्यादा जीता है और स्मृतियों में खोया रहता है। मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति 10-20 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो भोजन करते समय केवल भोजन करते हैं और कुछ नहीं करते। भोजन करते समय कितने विचार आते हैं, कितनी कल्पनाएं, कितनी स्मृतियां आती है। केवल खाना, मन उसी में रहे। प्रेक्षा ध्यान में इसका नाम है भावक क्रिया। यह भावक क्रिया एक मानसिक चिकित्सा है कि हम जो काम करें मन हमारा साथ दे। शरीर अलग और मन अलग, समस्या पैदा होती है, तनाव पैदा होता है और शायद बहुत सारी बीमारियों का कारण यह बनता है कि शरीर की क्रिया और मानसिक क्रिया का अलग होना, दोनों के बीच में अंतराल आ जाना, खाई होना एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी हर कार्य में सफल वही हो सकता है जब शरीर और मन दोनों साथ साथ चलते। मन से उतना ही काम लिया जाए जितना वह सहन कर सके और वापस वह प्रतिक्रिया न करे। तो यदि आप मानसिक चिकित्सा के बारे में कुछ जानना चाहें, इतना एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि मन को खाली रखना सीखिए।